हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ हाईवे के ऊपर और कहीं ना कहीं तो जा रहा हूँ। वैसे आपको पता है कि कुछ बॉलीवुड मूवीज़ जैसे कि क्वीन, दिल चाहता है, जब हैरी मेट सज्जल, इन सब में क्या चीज़ कॉमन है? ये तमाम मूवीज़ एम्स्टरडम में शॉट हुई है, तो अभी हम एम्स्टरडम जा रहे हैं। वैसे आप लोग ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि मैं एम्स्टरडम बाय रोड क्यों जा रहा हूँ, कहाँ से जा रहा हूँ और मैं बाय एयर क्यों नहीं आया। तो मैं हैम्बर्ग गया था, हैम्बर्ग में कुछ टाइम गुजारा और यहाँ से 464 किलोमीटर ड्राइव करके अब एम्स्टरडम आया हूँ। लेकिन आप लोग बाय एयर ही आइएगा और फिर भी सोच लीजिएगा कि अगर बाय एयर आएंगे तो ये जो सीनरी है ये आप मिस कर देंगे। तो हम क्योंकि अब एम्स्टरडम जा रहे हैं तो थोड़ा सा आपको इसकी हिस्ट्री और मॉडर्न कल्चर के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ। एम्स्टरडम 12th सेंचुरी के अंदर बना था और ये अपनी कैनाल्स के हवाले से बहुत मशहूर है। और इसके अलावा डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो 17th सेंचुरी में कायम हुई थी, उसने इसको, इस शहर को फ्लरिश करने में बहुत हेल्प की है। यहाँ पर आप मेरे राइट और लेफ्ट पे देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल वेदर है, कितनी ज़बरदस्त सोसाइटी है। और ये है इनके हाईवे, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। आप मेरे लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ ग्रीनरी देख सकते हैं और ये देखिए कितना ब्यूटीफुल व्यू है टूवर्ड्स कनाल। बाय द वे, ये जो कनाल है ये एम्स्टरडम के शहर उट्रेख्ट में मौजूद है और यहाँ से आप डायरेक्टली बोट लेके एम्स्टरडम जा सकते हैं। तो आप देखिए, इन्जॉय कीजिए, कितना ज़बरदस्त सीनिक राइड है। तो पिछले व्लॉग में काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि आप ये बताएं कि इस जगह पे रहने का, घूमने फिरने का कितना खर्चा आता है। तो एम्स्टरडम के अंदर जो एक नॉर्मल होटल है शहर से दूर, नॉट इन डाउनटाउन, 4 स्टार आपको 200 यूरोस तक का मिलता है। मैं 4 स्टार एक होटल है पार्क इन रेजिडेंसेस, वहाँ स्टे करूँगा। और इसके अलावा आपको जो चीपर ऑप्शन होते हैं हॉस्टल के अंदर, वो आपको 30-35 यूरोस के मिल जाते हैं पर नाइट। तो एम्स्टरडम काफ़ी एक्सपेंसिव है, स्पेशली डाउनटाउन के अंदर रहना काफ़ी एक्सपेंसिव है। यहाँ पर एक वक्त खाने का खर्चा आपका तकरीबन 12-15 यूरो का है और कॉफ़ी की प्राइस 6-7 यूरोज़ है। एम्स्टरडम काफ़ी टूरिस्टिक प्लेस है तो यहाँ पर जो प्राइसेस हैं किसी भी चीज़ के वो बहुत एक्सपेंसिव हैं। उसके साथ साथ एम्स्टरडम के अंदर अगर आपको रोम अराउंड करना है तो यहाँ पर पब्लिक मेट्रो अवेलेबल है और उसकी जो ख़र्चा है अराउंड 9 यूरोस के दरमियान है। तो आप इजीली कम्यूट कर सकते हैं विद इन द सिटी, बहुत आसान है और काफ़ी इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा बना हुआ है, जैसे कि आप इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं कि कितना, देखें, ज़बरदस्त इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्ट किया हुआ है अपना। एक वेबसाइट है amsterdamtips.com के नाम से और उस पर काफ़ी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है सिटी के बारे में, इसके कल्चर के बारे में, सोसाइटी के बारे में, कॉस्ट के बारे में, कॉस्ट ऑफ लिविंग के बारे में। और ये बहुत एक एक्सपैट डोमिनेटेड सिटी है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सपैट और बाहर के लोग काम करते हैं, तो आपको इजीली डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग नज़र आ जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त हम आ चुके हैं हॉलैंड के शहर एम्स्टरडम में और ये है एम्स्टरडम का सेंट्रल स्टेशन। आपने बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज़ के अंदर देखा होगा ज़रूर ये सेंट्रल स्टेशन जो है। और अभी हम जा रहे हैं यहाँ से जो एम्स्टरडम की टूरिस्टी प्लेसेस हैं काफ़ी घूमने के लिए। आप देख सकते हैं इस वक्त रात के 9 बज रहे हैं और आप देखें कि रात तो अभी हुई नहीं है यहाँ पर। तो एक्सप्लोर करते हैं शहर को, सर्दी थोड़ी कम है क्योंकि आज पूरा दिन मौसम गर्म था। तो देखें, इंशाल्लाह आपसे बात होती रहेगी, देखते हैं। टेक केयर। आपको लग रहा होगा कि मैं फारिग घूम रहा हूँ यहाँ पर, नहीं वैसे है तो ऐसा ही, लेकिन मैं ये भी सोच रहा हूँ कि पहले क्या करें क्योंकि चीज़ें करने को इतनी हैं। यहाँ आने से पहले याद रखिएगा कि एम्स्टरडम 5 चीज़ों के लिए बहुत मशहूर है, इसका कैनाल सिस्टम, इसका हिस्टोरिकल आर्किटेक्चर, इसकी डाइवर्सिटी, बाईसाइकिलिंग कल्चर और म्यूजियम्स। तो सिटी के बारे में थोड़ी सी आपको मैं स्टैटिस्टिक्स दे देता हूँ। इसकी पॉपुलेशन है टोटल 1 मिलियन, इसके अंदर 881,000 बाइसिकल्स हैं, कैनाल्स इसके अंदर 165 हैं जिसकी लेंथ 100 किलोमीटर्स है, 50 म्यूजियम्स हैं, लैंग्वेजेस यहाँ पर डच एंड इंग्लिश बोली जाती है। एम्स्टरडम को हर साल 19 मिलियन टूरिस्ट विजिट करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड से।
यहाँ पर तकरीबन 47 स्क्वायर किलोमीटर्स की ग्रीन स्पेसेस हैं, मीन्स पार्क्स एंड पब्लिक प्लेसेस। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ पर 60 ट्राम लाइंस हैं और 40 बस राउट्स मौजूद हैं। खैर बातें तो बहुत हो गई, थोड़ा व्यू भी इंजॉय करें। और हाँ, जो आप सामने बोर्ड्स देख रहे हैं ना, ये बोर्ड्स नहीं हैं, ये बेसिकली लोगों के घर हैं। एम्स्टर्डम में टोटल 4500 हाउस बोट्स मौजूद हैं। ये आप किनाल का व्यू देखें, कितना ज़बरदस्त लग रहा है। यहाँ से आपको तकरीबन 13 किनाल्स नज़र आती हैं और आपको सारे रिंग्स एक सीधी लेन में नज़र आते हैं। शायद कैप्चर कैमरे ने इतना अच्छा नहीं किया, लेकिन अगर आप वैसे देखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत व्यू है यहाँ से। थोड़ा सा आपको एम्स्टर्डम की हिस्ट्री भी बताता चलूँ। एम्स्टर्डम वॉज वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट सिटीज़ इन द वर्ल्ड ड्यूरिंग 17th एंड 18th सेंचुरी, क्योंकि उस टाइम पे डच ट्यूलिप में ट्रेड करते थे और ट्यूलिप वॉज लाइक गोल्ड एट दैट टाइम, सो हूएवर कंट्रोल्स ट्यूलिप कंट्रोल्स द मार्केट्स। खैर बातें तो होती रहेंगी, आप थोड़ा और व्यू इन्जॉय करें। तो आप सब देख सकते हैं कि मेरे पीछे इस वक्त पूरी एम्स्टर्डम की जो गलियां हैं अंदर की, हम यहाँ घूम रहे हैं इस वक्त, क्योंकि आज यहाँ पर लीव है, पब्लिक हॉलिडे है। तो आप देख सकते हैं कि सब लोग आज बाहर निकले हुए हैं, काफ़ी अच्छी वाइब है यहाँ पर। तो हम आपको और बताते रहेंगे बाकी, आप देख सकते हैं, थोड़ा सा आपको व्यू दिखा दूँ मैं यहाँ पर। तक मौजूद हूँ एम्स्टर्डम के मेन डैम स्क्वायर पे और यहाँ आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा मौसम है इस वक्त, सर्दी भी कम है और हवा भी कम चल रही है, बारिश भी नहीं है। तो अब मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि एक बहुत ख़ास मॉन्यूमेंट बना हुआ है। पीछे होटल क्रासनापोल्स्की है जो कि मैनेज करता है अनंतरा। यहाँ आप देख सकते हैं कि डिफरेंट रिटेल शॉप्स हैं, रोलेक्स की शॉप है, मदाम तसाव भी यहाँ मौजूद है सामने, और ये है इनका पैलेस ओल्ड टाइम के ऊपर। वहाँ आप देख सकते हैं कि वहाँ पर एम्स्टर्डम का चर्च मौजूद है, ये बहुत बड़ा चर्च है, और यहाँ पर डिफरेंट डिटेल शॉप्स हैं डियोर की। उम्मीद करता हूँ आप सबको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।